अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के जरिए वीडियो बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि अभी तक तो आप यूट्यूब के वीडियो से बिना किसी चिंता के अच्छी कमाई कर पा रहे थे, लेकिन अब गूगल ने अमेरिका से बाहर रह रहे यूट्यूबर्स को मेल भेजकर भुगतानों में होने जा रहे बदलाव के बारे में सूचित किया है। गूगल अब सभी प्लेटफॉर्म से अमेरिका के लिए टैक्स वसूलेगा, यहाँ तक कि उन क्रिएटर से भी जो अमेरिका में नहीं रहते हैं। गूगल का कहना है कि इस साल से अमेरिका के बाहर के क्रिएटर्स की कमाई से टैक्स काटा जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में ही गूगल आपसे टैक्स का सही अमाउंट निर्धारित करने के लिए एडसेंस में अपनी टैक्स डिटेल्स सबमिट करने के लिए कहेगा। अगर आपके द्वारा यह 31 मई तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो गूगल आपकी कमाई में से 24% टैक्स काट सकता है। आसान शब्दों में समझे तो अगर आपको 1,00,000 रुपए की कमाई होती है तो उसमें से 24,000 रुपए कंपनी द्वारा काट लिए जाएंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि यह उनके लिए है जो क्रिएटर्स अमेरिका के बाहर रहते हैं। अमेरिकी यूट्यूबर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। कंपनी द्वारा लगाए जा रहे इस टैक्स की शुरुआत जून 2021 से होने की उम्मीद है। यूजर्स को यह समझने की बेहद आवश्यकता है कि इन पैसों में वो पैसा भी शामिल है जो उन्होंने विज्ञापन और अमेरिकी यूजर्स द्वारा कमाए हैं। इस लिस्ट में कंपनी ने YouTube प्रीमियम, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और चैनल मेंबरशिप जैसी चीजें भी शामिल की हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति अपने टैक्स की पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है तो उन्हें अमेरिका के बाहर के व्यूअर्स के लिए टैक्स नहीं चुकाना होगा। इस नियम के अनुसार अगर व्यक्ति अपने टैक्स की जानकारी नहीं देता है तो उसे अपनी कमाई का 24% हिस्सा कंपनी को देना होगा, लेकिन अगर क्रिएटर टैक्स की जानकारी दे देता है तो उसे ट्रीटी बेनिफिट दिया जाएगा। इसके तहत क्रिएटर्स को अमेरिकी व्यूअर्स के लिए 15% का टैक्स चुकाना होगा। यह वो व्यूअर्स हैं जिनकी मदद से क्रिएटर्स की कमाई हुई है। वहीं अगर आप टैक्स भर रहे हैं और इस बेनिफिट के लिए भी वैध नहीं है तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। ध्यान रहे, क्रिएटर्स को यह टैक्स अमेरिकी व्यूअर्स के आधार पर ही देना होगा। ऐसे में यह क्रिएटर्स के लिए काफी मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका के मुकाबले भारतीय यूजर्स को कम पैसे दिए जाते हैं।